हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए फिर से लेके आ चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इम्पॉर्टेंट वीडियोस का पार्ट टू, जिसमें आपको थ्योरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला है। उससे पहले आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे, उसके बाद इम्पॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन बताए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, एक प्लेलिस्ट बताई जाएगी जिससे आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन सा कॉन्सेप्ट आपको उठाना है, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को उठाइए, इसकी 3 वीडियो उठा के करिए और इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करिए, मतलब आपके पासिंग मार्क्स स्कोर हो जाएंगे अगर आज की वीडियो आप पूरी देख लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको यूजफुल लगे तभी लाइक करके जाइएगा, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये आपका सिलेबस है, आप जिसको जो स्टूडेंट को लगता है जो कटा है वो कटा है, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने आपको ऑफिशियली सिलेबस दिखा दिया है, बाकी आपके जो टीचर्स हैं वगैरह जो भी कह रहे हैं, अगर आपको उनकी बात माननी है उनकी बात मान लीजिए, या फिर सोल ने जो ऑफिशियल सिलेबस देख रखा है उसके हिसाब से चलिए। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या आता है, यूनिट 1 और यूनिट 2 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ वाउचर्स क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद डाटा एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, और जो आप अगर आपने टैली सीख रखी है तो आपको पता ही होगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनती है, फंड फ्लो कैसे बनता है और कैश फ्लो कैसे बनता है। उसके बाद लीज की क्लासिफिकेशन क्या होती है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स क्या होते हैं। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग द ग्रुप, ऑल्टरिंग द ग्रुप काफ़ी बार पूछा गया है तो इसे अच्छे से करिएगा। कंप्यूटर अकाउंटिंग इसकी पूरी थ्योरी पढ़ डालिएगा। उसके बाद क्रिएटिंग लेजर्स कैसे करा जाता है, और अगर आपको लगता है डेप्रिसिएशन आएगा तो डेप्रिसिएशन को भी पढ़ लीजिएगा दोनों मेथड उसके। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं और ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, ये हो गए। उसके बाद आगे टॉपिक्स पे चलते हैं, पीरियोडिक एंड परपेचुअल डिफरेंस। परपेचुअल वाले को अच्छे से टॉपिक को निपटा दीजिएगा, इसको आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं सारे कर लीजिएगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी काफ़ी पूछ सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या है, उसके बारे में क्या, उसके ड्रॉबैक्स वगैरह सब कुछ पूछ सकता है। एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या है, शॉर्ट नोट, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, इस टाइप के आ सकते हैं। कंप्यूटर अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग पैकेजेस क्या होते हैं, और कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, ये हो गए टॉपिक्स। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए ये जो भी सारे क्वेश्चंस हैं आपके सारे प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिसीजन बिटवीन फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंस बताइए अच्छे से, ये नहीं सिर्फ ऊपर से मीनिंग पढ़ लिया, इसके बारे में अच्छे से थ्योरी पढ़िएगा। 10 ईयर में सारी थ्योरी होगी, मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रखी है, जाके देख लीजिएगा। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन द गार्नर्स वर्सेस मुरे रूल। और हाँ एक चीज़ और बात है, मैं आपको थ्योरी के यूनिट 1 और यूनिट 2 के नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा 7878150613, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 के दोनों के थ्योरी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और जितना भी बाकी का मटेरियल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको दिया जाएगा, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। गार्नर्स और वरेस मुरे रूल क्या होता है इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन वेस्टिंग एसेट्स एंड फिक्शंस एसेट बाय गिविंग एग्जांपल, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होती है, और लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग की, ये हो गई। अब आते हैं एक्सप्लेन द नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस विद रेफरेंस टू अ ब्रांच अकाउंटिंग। अब देखिए ब्रांच अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं उस चैप्टर से भी। अब आते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उसका जो डिफरेंस है वो रेवेन्यू वाला, उसे भी अच्छे से कर लीजिएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है। और IFRS मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस बार ही ऐड हुआ है, इस पर ऐड नहीं मतलब इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जो भी पेपर हुआ है उनमें भी पूछा गया, तो IFRS को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ IFRS इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको आपको थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और अगर आपको कल पेपर में मिले तो आप कमेंट्स में आके जरूर बताइएगा, कम्युनिटी के कोई पोस्ट पर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर ये वाला IFRS फंसा हमारे क्वेश्चन। फिर स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पीरियोडिक एंड परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। देखिए मैंने परपेचुअल सिस्टम आपको पहले भी बताया टॉपिक के में कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे करिएगा क्योंकि ये पूछा जा रहा है। अब आते हैं लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज मेथड, इन तीनों को अच्छे से कर लीजिएगा। मैं आपको लास्ट में प्लेलिस्ट बताऊंगा कि आपको कैसे उठा के फटाफट क्वेश्चन को खत्म करना है, मतलब आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से कर सकती हो अगर आप अच्छे से आपने ठान लिया कि हाँ मुझे पास होकर दिखाना है इस बार। अब आते हैं स्टेट क्लियरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फॉलोड आर वॉलेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताने हैं आपको, ये सारी आपको देख सकते हैं दे रखी है। कंपनीज इनकर हैवी अमाउंट ऑफ, इस टाइप के आपको सिचुएशन बेस्ड या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, इसमें पूछा जा सकता है कि आप बताइए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है या कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन लगा लीजिएगा। मैंने इस टाइप के भी रख लिया, मैंने कहा थोड़े बहुत ऐसे भी रखते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आ गया।
अब देखिए, जो मैंने आपको बताया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन डिटेल्स, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब ब्रीफली एक्सप्लेन द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल एंड गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ये हो गया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब आगे आते हैं IFRS। देखिए, जो भी पहले बताया था IFRS को अच्छे से कर लीजिएगा। ये नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, IFRS में घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, पर पूछेगा डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंस और एडोप्शन क्या होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के द्वारा। डिस्कस द बेनिफिट्स क्या है कन्वर्जन विद IFRS टू इंडस्ट्री। ये हो गया। अब देखिए आगे, डिस्क्राइब द अकाउंटिंग प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द इंसॉल्वेंसी ऑफ द ऑल पार्टनर्स ऑफ फर्म। अब देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको लगे कि बिल्कुल अलग से, पर आपको इसके बारे में यूनिट वन से पूछा गया तो अच्छे से लिखिएगा। अब आते हैं, मेंशन एनी सेवन एरियाज ऑफ डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। अब देखिए, यूनिट वन से फिर से क्वेश्चन फंस गया, तो यूनिट वन और यूनिट टू पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, थ्योरी के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन सेल इज मेड और व्हेन सर्विस आर रेंडर्ड। एक्सप्लेन स्टेट थ्री एग्जेप्शंस टू द जनरल रूल। ये हो गया। अब आते हैं आगे, व्हाट इज अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है। एक्सप्लेन अ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये बिल्कुल बेसिक है 11th 12th का, और मैंने इसके साथ एक क्वेश्चन भी डाल दिया है। अगर यूनिट वन से इसके साथ क्वेश्चन आता है थ्योरी के, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, सीधे बोल रखा है इन्होंने फीफो लिफो निकालिए, तो अब मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बाद ही कि आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी है अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी निकालना है एग्जाम में, क्योंकि तो सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब चलते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे उठाने हैं, कौन सी बेस्ट प्लेलिस्ट है जिससे आप देख के हाथों हाथ पढ़ सकते हैं। आपको उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा यूट्यूब बाबा, जो कि हम जैसे हेल्प करते हैं वैसे और भी जने आपकी हेल्प करते हैं। वैसे एक है ये साहू अकेडमी, आपको इनकी ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर मैं आप कहोगे तो मैं इसे टेलीग्राम पे पिन कर दूंगा। अब देखिए, इसमें क्या करना है, इसकी सबसे पहले थ्योरी की थ्योरी देखिए, मैं थ्योरी बाद में बताऊँ, पहले सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, ब्रांच अकाउंटिंग की है, ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 मिनट की वीडियो है। ब्रांच अकाउंटिंग पता है क्वेश्चन आएगा, तो इसे उठाइए, 14 मिनट इसे उठाइए और एक एक क्वेश्चन लगाइए। अगर आप इस टाइप को समझ के एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके ये तो रहेगा कि हाँ कुछ तो क्वेश्चन स्टार्ट करके आएंगे खाली छोड़ने की जगह। तो बस ये करिए, ब्रांच अकाउंटिंग उठाया तो इसके क्वेश्चन किए, लास्ट में बढ़िया वाला क्वेश्चन किया, छुट्टी। ये ब्रांच अकाउंटिंग खत्म। अब उसके बाद डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका भी एक क्वेश्चन उठाइए अच्छे से। सबसे पहले डिपार्टमेंट अकाउंटिंग की मीनिंग और एडवांटेज क्या है उसके बारे में पढ़िए। अगर थ्योरी का क्वेश्चन फंसता है तो सीधे थ्योरी भी उड़ा सकते हैं। उसके बाद पार्ट टू मेथड्स पढ़िए क्या है, फिर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, और चौथा पांचवा, मतलब पांच पार्ट में आपकी सीधे डिपार्टमेंट अकाउंटिंग खत्म। ज़्यादा बड़ी वीडियोस भी नहीं है, अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट को 2 से 2.5 घंटा देते हैं अपनी सेल्फ स्टडी के हिसाब से, तो आप आराम से एक टॉपिक को उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आने ही आने हैं। अब देखिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, आपको पता है फीफो लीफो और वेटेड एवरेज मेथड, इसमें से या तो थ्योरी पूछी जाएगी या फिर आपको सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। तो एक एक वीडियो को उठाइए, फीफो मेथड क्या होता है उसके बारे में थ्योरी उठाइए और उसके फॉर्मूलेस क्या है रटिए, उसके बाद सीधे लीफो पे आइए, और उसके बाद लास्ट मेथड आए वेटेज एवरेज मेथड। ये तीनों किया, ये 1 घंटे में आपका ये पूरा एक कॉन्सेप्ट खत्म, जो कि आपको पता है हाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सीधे खत्म प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी और थ्योरी भी। फिर ऊपर आइए, अब हायर परचेस को हटाइए, इसमें डाउट है स्टूडेंट्स के, और डेप्रेशन को भी हटाइए, अगर आपको करना है तो करिए। मैं बात हूँ सीधे NPO पे, NPO का पता है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप NPO उठाइए। इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ लीजिए NPO क्या है, उसके बाद एक क्वेश्चन उठाइए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम और बैलेंस शीट कैसे बनती है, आप बस सीखिए कि हाँ बनती कैसे, ये सब चीज़ सीखिए NPO में। अब आगे आइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, इसकी बैलेंस शीट, ये जो मेन है आपकी बैलेंस शीट कैसे बननी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनना है। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की थ्योरी पढ़िए, फिर उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से लास्ट में जो आपको बनानी होगी, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए। इन्होंने 2 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो हाथों हाथ खत्म करिए करके, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन दे रखा है, ट्रायल बैलेंस का कल क्वेश्चन फंसा था, आप ट्रायल बैलेंस में भी फोकस कीजिए, आपको पता होनी चाहिए कौन सी एंट्री उठ के कहाँ जाती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बैलेंस शीट में। अब देखिए, कैश बुक कर लीजिएगा अगर करनी है, लेजर क्या होते हैं, लेजर और जनरल आपको पता ही होगा, वही चीज़ें आपको बतानी है। अब इस पर आइए, IFRS मैंने आपको बताया मेन है, इंपॉर्टेंट है, इसकी 8 मिनट की वीडियो देखिए और इस IFRS के बारे में और पढ़िए, जितना पढ़ना पड़े, क्योंकि पता IFRS फंसेगा ही फंसेगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थ्योरी का क्वेश्चन उठने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अगर आपको थ्योरी पढ़ने का टाइम मिल जाए तो यूनिट वन या तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, बाकी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बात आपको समझ में। बाकी 10 ईयर है ही आपके पास, जितने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं करिए। अगर आप देख पास होना चाहते हैं तो ये मान के चलिए, अभी टाइम हो रहा होगा, समझ लीजिए 7 बज रहे हैं, अब कल के आपके 2:30 बजे एग्ज़ाम है, तो ये मान के चलिए आपके पास हैं, आप 14 से 15 घंटे हैं आपके पास, आप आराम से कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। क्योंकि देखिए, यही दिन है एग्ज़ाम देने के, उस टाइम में आपको थोड़ा दुख तो देखना पड़ेगा,
उस टाइम करिए, हाथों हाथ एग्जाम खत्म हो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एक दिन बस करना पड़ेगी आपको मेहनत, उसके बाद एग्जाम अच्छा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना आप इसमें निकल रह जाते हैं तो आपको देखिए आगे बहुत दिक्कत आ सकती है। जब आपके दोबारा एग्जाम होंगे तो उसमें आपको दो दो चीज़ें एक साथ पढ़नी पड़ेगी, उस वजह से कह रहा हूँ मैं। बाकी ये स्ट्रेटेजी लेके चलिए, जितना हो सकता है करिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे कि हाँ सर आपने तो ये सारे ही बता दिया, देखिए मैंने आपको बताया मेन मेन टॉपिक, हाँ इस क्वेश्चन से इस टॉपिक से आएगा क्वेश्चन, तो उसको अच्छे से कर लीजिए। अब आप जिससे जितना हो सके प्रैक्टिकल और थ्योरी तो दोनों को स्टार्ट तो कीजिए, वरना स्टार्ट नहीं करेंगे शुरू नहीं करेंगे तो आपके फ़ायदा कोई नहीं है। बाकी मैं आपको 2 महीने से पहले से बोलता आ रहा था पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, बाद में एग्ज़ाम में दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल टीप भी किस में से लोगे, अगर एक का गलत हुआ तो सबका गलत हो जाएगा इसमें, इसलिए प्रैक्टिकल में रिस्क नहीं लेना। थ्योरी तो चलिए टीप भी लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर वही बात है किस्मत, क्या अगर अच्छी किस्मत हुई तो बंदा पास वाला सही मिल जाएगा, वरना वो खुद आपके भरोसे होगा तो आप दोनों को ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आपको डिसीजन लेना है कि हाँ वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना है, तो बस वो आपके ऊपर है। चलिए फिर इस वीडियो का लाइक रखते हैं, अगर 100 100+ लाइक करा दीजिएगा, वैसे आप करा ही दोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।